मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मौसमी बीमारियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डेंगू या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों के लिए इलाज मिल सके। इसी के साथ साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है और स्क्रब टाइफस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस के कुपोषित राज्य के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़े आते कहां से हैं। कुपोषण दूर करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, कुपोषण जड़ से खत्म हो जाए, इसको लेकर सीएम ने संज्ञान लिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मंत्री ने। देखिए, इस विषय में हमने संज्ञान लिया है और पूरे प्रदेश में ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की मौसमी बीमारियों का मामला हो, डेंगू हो या और किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, उसको लेकर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। सभी जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में और उसके नीचे भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमने पूरी व्यवस्था को सुचारू किया है और ये सुनिश्चित किया है कि सभी को इसका इलाज मिल सके। हमारी सरकार कटिबद्ध है पूरी तरह से कुपोषण समाप्त करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर ये सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कुपोषित बच्चे की जो बीमारी है वो खत्म हो जाए और सुपोषित वो हो जाए। और इसके लिए हमारा महिला बाल विकास विभाग भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। एक एक बच्चे की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले वाइज एक एक बच्चे को चिन्हित किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो समय सीमा में सुपोषित हो सके। कांग्रेस के इस इल्जाम में कहीं भी कोई भी तथ्य नहीं है।